नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 8 एक्सरसाइज 3.3 का प्रश्न पहला करने जा रहे हैं, जो कि है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। देखिए बच्चों, हमारे पास यह एक समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी। तो आपको पता है अगर एक समांतर चतुर्भुज है तो उसकी सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, यानी यह भुजा सामने वाली भुजा के बराबर होगा और यह भुजा जो है यह अपने सामने वाली भुजा के बराबर होगी। तो देखिए, सबसे पहले है ए डी। ए डी, यह ए डी एक भुजा है, यह किसके बराबर होगी? अपने सामने वाली भुजा के बराबर। और इसके सामने वाली भुजा का नाम क्या होगा? बी सी। इसके सामने वाली भुजा का नाम क्या होगा? बी सी। इसका अर्थ है पहला खाली स्थान है ए डी बराबर डैश, तो ए डी बराबर होगा बी सी के। यह क्यों है? क्योंकि यह एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। इसी प्रकार से अगला भाग है कोण डी सी बी। कोण डी सी बी, यह कोण हमें पता है समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो देखिए, ये जो कोण है डी सी बी, इसके बिल्कुल सामने यह कोण है, ये वाला। इस कोण का नाम होगा बी ए डी या डी ए बी, दोनों में से कोई भी नाम हम लिख सकते हैं। तो ये सम्मुख कोण भी एक दूसरे के बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज में सामने वाली भुजाएं भी बराबर होती हैं और आमने सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं। तो डी सी बी यह कोण, इसके सम्मुख है यह कोण जिसका नाम होगा बी ए डी या डी ए बी। तो मैं लिखता हूँ कोण बी ए डी, तो यह डी सी बी कोण कोण बी ए डी के बराबर होगा। इसके बाद ओ सी, हमने समांतर चतुर्भुज के गुणों में किया था, इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी दो बराबर भागों में बांटते हैं। तो इस प्रकार से यह जो विकर्ण है डी बी, इसने ए सी को दो बराबर भागों में बांटा। इस डी बी ने ए सी को दो बराबर भागों में बांटा है, यानी ए ओ जितना भाग होगा उतना ही भाग ओ सी होगा। तो हमें पूछा गया ओ सी किसके बराबर होगा? देखिए, ओ से सी कितना होगा? जितना ओ से ए होगा। ए ओ बराबर ओ सी, और यानी कि ओ सी बराबर ओ ए। ठीक है बच्चों, केवल ये ही नहीं, ये भी। इसी प्रकार से ए सी भी बी डी को दो बराबर भागों में बांटेगा, यानी ओ बी बराबर ओ डी होगा, ओ ए बराबर ओ सी होगा। आशा करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। इसके बाद देखिए मेयर ऑफ कोण डी ए बी। कोण डी ए बी यह वाला कोण, प्लस मेयर ऑफ कोण सी डी ए ये वाला कोण, ये कोण प्लस ये कोण, इन दोनों का जोड़ कितना होगा? तो हमें पता है कि यदि यह एक समांतर चतुर्भुज है तो सी डी और ए बी आपस में समांतर रेखाएं होंगी इस प्रकार से, और इनके बीच में यह एक तिर्यक रेखा है। तो यह कोण यानी जो डी पर बना है और यह कोण जो कि ए पर बना है, ये तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतः कोण हैं। और हमें पता है यदि दो रेखाएं समांतर हों तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का जोड़ 180 होता है। तो ये भी दो समांतर रेखाएं हैं, यह तिर्यक रेखा है AD, तो एक ही ओर के अंतः कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो हमसे पूछा गया मेजर ऑफ एंगल DAB प्लस मेजर ऑफ एंगल CDA किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको पहला प्रश्न बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इस प्रश्नावली के बाकी प्रश्नों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकी प्रश्नों को
देखिए और उन्हें अच्छे से समझिए। धन्यवाद।